Hello everyone, how are you people? Okay, this is the third part of the chapter Fundamental Unit of Light. I hope आपने इसके पहले के दोनों parts देख लिए होंगे. अगर आपने नहीं देखे हैं तो link मैं description box में डाल रहा हूँ. आप please पहले के दोनों parts देखें, because this part is continuation of the earlier two parts. Okay. इस पार्ट में हमने सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में जानना. डू यू नो स्टूडेंट्स, तीन चीजें हैं जो हर एक सेल में कॉमन होती हैं. ओके, एनी आइडिया ये तीन चीजें क्या हैं? ये तीन चीजें हर टाइप के सेल में पाई जाती हैं, और वो हैं साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. ठीक है, हम सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे. एक चीज बच्चों मुझे बताइए, आप क्या आपके घर के अंदर कोई भी आ जा सकता है? एनीवन, जिसको आप नहीं भी जानते वो भी अंदर आ सकता है आपके घर के, या बेल बजाता है और बाहर ही खड़ा रहता है? आपके घर में वही लोग एंटर कर पाते हैं जिनको आप अलाउ करते हो. दोज पीपल आर गोइंग टू एंटर योर हाउस विच यू सिलेक्ट. सो यू आर सिलेक्टिव इन अलाउइंग पीपल टू एंटर योर हाउस. जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है यहां पर, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, वो एक बाउंड्री वॉल की तरह जो आपके घर के चारों तरफ होती है, ये उसी तरह की चीज है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सिलेक्टिव है, जस्ट लाइक आपके घर की जो बाउंड्री है वो भी सिलेक्टिव है. वो किसी को आने देती है, किसी को नहीं आने देती, विच मीन्स आप अपने घर में किसी को आने देते हो, किसी को नहीं आने देते. प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेल के लिए यही काम करती है. वो कुछ चीजों को अंदर आने देती है, कुछ चीजों को बाहर जाने देती है. ओके, इन दिस मैनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, उसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. ठीक है, वी कॉल इट एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सिलेक्टिवली यानी कुछ चीजों को वो सिलेक्ट करके अंदर बाहर आने जाने देती है. ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल यानी इट परमिट्स ओनली सिलेक्टिव थिंग्स टू गो इन एंड आउट ऑफ द सेल. राइट, सो ये बात हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ये काम कैसे कर पाती है? सेल के अंदर चीजें कैसे एंटर करती है, सेल के बाहर चीजें कैसे जाती हैं, इसको अगर हमें समझना है तो हमें दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. पहला जो है वो है डिफ्यूजन, और दूसरा जो है वो है ऑस्मोसिस. ठीक है, सेल के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर से बाहर जाती है, ऑक्सीजन जो है वो सेल के बाहर से अंदर आती है. तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है, इट टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय डिफ्यूजन? अगर हम डिफ्यूजन को डिफाइन करें तो इट इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. अब हमने साथ ही साथ ऑस्मोसिस की बात भी की थी. मैंने बोला था ना कि दो प्रोसेस है, एक तो है डिफ्यूजन जिससे सब्सटेंसेस इन एंड आउट मूव करते हैं, गैसेस जो है इन एंड आउट डिफ्यूजन से करती है. जो लिक्विड है यानी वॉटर मेनली, वो सेल के अंदर और बाहर जो मूव करता है, इट मूव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ठीक है, ऑस्मोसिस इज ऑल्सो सिमिलर थिंग. इट इज मूवमेंट ऑफ वॉटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन. यानी जहां पे वॉटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, वहां से वॉटर जहां कंसेंट्रेशन कम है उधर मूव करता है, और ये ऑस्मोसिस है. तो ये दोनों प्रोसेसेस जो है वो चीजों के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. लेट अस सी ये कैसे हेल्प करते हैं इसके अंदर. ओके, अब इस चीज को समझने के लिए और याद रखने के लिए आप एक कंसेप्ट जो ट्रिक मैं यूज करता हूं वो ये है कि आपको ये चीज जो मैं बता रहा हूं वो याद रखनी है, और वो है कि ज्यादा से कम की तरफ. ठीक है, ज्यादा से कम की तरफ. अगर आपने ये याद रख लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा मूवमेंट कैसे होनी है. ओके, मतलब क्या कि अगर मैं एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड का ले लूं, जो कि सेल के अंदर एक वेस्ट की तरह. किस चीज का वेस्ट है?
सेल के अंदर रेस्पिरेशन होती है, एनर्जी रिलीज करने के लिए एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देता है। तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इनसाइड अ सेल एज कंपेयर टू आउटसाइड, बाहर के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड सेल में ज्यादा होता है और बाहर कम होता है। सेल के बाहर कम है कार्बन डाइऑक्साइड, सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा कम, जो मैं बोल रहा हूं तो ये मैं मीन कर रहा हूं यहां पर कि मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है कि जहां पर भी ज्यादा कंसंट्रेशन है वहां से लोअर कंसंट्रेशन यानी मोर से लेस की तरफ मूव करेगा। सो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट है वो सेल के अंदर ज्यादा होता है, यहां से ये सेल के बाहर मूव करेगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन। इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो कि अंदर ज्यादा था बाहर कम था तो अंदर से बाहर मूव कर जाएगा। गॉट इट, समझ में आ गया आपको? बहुत सिंपल है, ज्यादा से कम की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ, बस ये याद रखना। ऑन द बेसिस ऑफ सेम कॉन्सेप्ट क्या बच्चों आप मुझे बता पाओगे कि ऑक्सीजन कैसे मूव करेगा? मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपको अपना आंसर फटाफट से पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें आप अपना आंसर फटाफट से लिख दीजिए। आई विल गिव यू अ हिंट एंड देन यू ट्राई एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। हिंट ये है कि ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो सेल के बाहर ज्यादा होती है एयर में और सेल के अंदर कम होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को लगातार सेल यूज कर रहा है, सेल के अंदर जो है ऑक्सीजन यूज्ड अप होती जाती है, इसलिए ऑक्सीजन सेल के अंदर कम होगा और बाहर ज्यादा होगा। ये आपका हिंट है, सोचो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो अपना आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं कि वाटर की मूवमेंट सेल में अंदर और बाहर कैसे होती है, ठीक है। हमने अभी कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया आपको, मैंने आपको ऑक्सीजन का पूछा जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना था, और अब जो है हम वाटर की बात कर रहे हैं कि ये वाटर कैसे मूव करता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल, ठीक है। इसके लिए भी सेम कंसेप्ट है जो मैंने अभी आपको बताया था, क्या ज्यादा से कम की तरफ, वाटर जहां भी ज्यादा होगा वहां से वाटर कम की तरफ मूव करेगा, और मैंने आपको बताया था इसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है वो है ऑस्मोसिस, ठीक है। वाटर विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, ओके। फॉर दिस वी नीड टू रिमेंबर थ्री सिचुएशन, सेल जो है वो तीन सिचुएशन में प्रेजेंट हो सकता है फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग वॉटर किधर मूव करेगा, ठीक है। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि सेल ऐसी सिचुएशन में है कि वॉटर बाहर जो है वो ज्यादा है सेल के कंसंट्रेशन में, ठीक है। सेल के बाहर वॉटर ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है और सेल के अंदर वॉटर कम है, यानी आउटसाइड द कंसेंट्रेशन ऑफ वॉटर इज हायर एंड इनसाइड द कंसेंट्रेशन ऑफ वॉटर इज लेस, ठीक है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है जिसमें वॉटर की कंसेंट्रेशन बाहर कम है और अंदर ज्यादा है, ठीक है। सो और तीसरी सिचुएशन हो सकती है जब वॉटर की कंसेंट्रेशन अंदर और बाहर, यानी सेल के अंदर वॉटर की कंसेंट्रेशन और सेल के बाहर वॉटर की कंसेंट्रेशन दोनों में सेम है, ना कहीं पे ज्यादा है ना कहीं पे कम है। जो मैंने पहली सिचुएशन की बात की कि वाटर जो है सेल के बाहर ज्यादा है कंसेंट्रेशन में और अंदर कम है, वी कॉल सच अ सिचुएशन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हम बोलते हैं कि सेल एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के क्या एग्जांपल हो सकते हैं? एक डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन यानी चीनी का घोल, शक्कर का, चीनी का पानी में घोल जो है वो अगर डाइल्यूट हो, यानी पानी ज्यादा है चीनी कम है, अगर ऐसा एक घोल हम बना दें जिसमें बहुत कम शक्कर हो और खूब सारा पानी हो, अगर ऐसी हम सॉल्यूशन बना दें तो ये सॉल्यूशन जो है ये एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगी। इसी प्रकार अगर मैं बहुत कम नमक और खूब सारे पानी को लेकर मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाऊं, ठीक है, थोड़ा सा नमक खूब सारा पानी, तो ये भी एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगी, सॉल्ट सॉल्यूशन होगी, ठीक है। सिर्फ पानी भी ले लें, सेल सिर्फ एक पानी में पड़ा हुआ है, तो पानी भी जो है वो सेल के लिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का काम करेगा।
वॉटर विल फंक्शन एज अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन फॉर द सेल। अब ऐसे में होगा क्या, मैंने क्या कंसेप्ट बताया था, ज्यादा से कम की तरफ, तो पानी कहां से कहां जाएगा, पानी सेल के हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, पानी सेल के बाहर ज्यादा है तो बाहर से पानी अंदर आएगा, ठीक है, विच मीन्स वॉटर विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्या हम रेजिन्स ले सकते हैं, रेजिन क्या होता है, किशमिश, सुना है आपने किशमिश, तो किशमिश ले सकते हैं, वो ड्राई होती है। अगर एक किशमिश को या कुछ किशमिश को मैं पानी में, एक ग्लास में पानी ले लें और पानी में मैं डाल दूं, ठीक है, बीकर में या किसी चीज में भी, आप एक कंटेनर में पानी ले लें और उसमें किशमिश डाल दें और कुछ टाइम तक आप वेट करें, हम क्या पाएंगे, हम ये पाएंगे कि किशमिश फूल गई है, ठीक है, द रेजिन हैज स्वोलन। व्हाई हैज रेजिन स्वोलन, व्हाई, बिकॉज वॉटर इज नाउ इनसाइड इट। और ये क्यों हुआ, ये हुआ ऑस्मोसिस के थ्रू, राइट, प्रोसेस समझ लेते हैं कि कैसे हुआ। सेल जो था किशमिश का, वो ड्राई कंडीशन में थी किशमिश, तो सेल के अंदर किशमिश के जो सेल्स थे उसके अंदर पानी की कंसेंट्रेशन कम थी, बाहर पानी पानी था सेल के, तो पानी की कंसेंट्रेशन बाहर ज्यादा थी अंदर कम थी, मैंने आपको क्या बताया क्या होगा, ज्यादा से कम की तरफ, तो पानी जो है वो बाहर ज्यादा है अंदर सेल के कम है, तो बाहर से अंदर आएगा, जब पानी सेल के अंदर आएगा तो सेल फूलने लगेगा, सेल विल बल्ज, ठीक है, वो फूलेगा, राइट। ऑन दी अदर हैंड, मान लो कि मैं ये फूली हुई किशमिश को एक कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में या कंसंट्रेटेड सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन में डाल दूं, तब क्या होगा, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। मैंने दूसरी कंडीशन क्या बोली थी कि जिसमें पानी की कंसंट्रेशन बाहर कम है, सेल के बाहर पानी की कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के बाहर पानी की कंसंट्रेशन कम है, राइट। अब ऐसी सिचुएशन में ऑस्मोसिस से क्या होगा, पानी अंदर ज्यादा बाहर कम, तो अंदर से बाहर जाएगा पानी, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, पानी अंदर से बाहर जाएगा, गॉट इट। सो अगर मैं ये फूली हुई किशमिश को वापस से सिकोड़ना चाहता हूं, वापस से उसको जो है वो कम करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में डाल दूंगा। कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनेगी, कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें सिंपल सी बात यह करनी पड़ेगी कि कम पानी लेना पड़ेगा और ज्यादा शक्कर ज्यादा चीनी उसमें डाल देनी पड़ेगी। ऐसी सॉल्यूशन जब मैं बनाऊंगा तो वो एक कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन हो जाएगी, ठीक है। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जब मैं ये फूली हुई पानी से भरी हुई किशमिश को डालूंगा, देन इट विल श्रिंक, वो सिकुड़ जाएगी, वो कम हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ कि रेजिन को जो फूली हुई थी पानी से, ठीक है, पानी में भिगोई हुई रेजिन फूली हुई थी, अगर मैं उसको कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दूंगा तो वो सिकुड़ जाएगी। क्यों सिकुड़ जाएगी, वो इसलिए सिकुड़ जाएगी बिकॉज कि वो एक हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में, ऑस्मोसिस की वजह से अंदर पानी ज्यादा है बाहर पानी कम है, तो अंदर से पानी बाहर निकलेगा, जब सेल के अंदर से पानी निकल जाएगा तो सेल सिकुड़ जाएगा, ठीक है, वो किशमिश जो है वो सिकुड़ जाएगी, साइज में छोटी हो जाएगी। ये भी ऑस्मोसिस से हो रहा है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, गॉट इट, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब आइसोटॉनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, आइसोटॉनिक सॉल्यूशन के अंदर बाहर भी कंसंट्रेशन पानी की और अंदर भी जो पानी की कंसंट्रेशन है वो सेम होगी, बाहर भी पानी उतना ही है अंदर भी उतना ही है। जब बाहर और अंदर सेम होगा तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, ना अंदर से पानी बाहर जाएगा ना बाहर से पानी अंदर आएगा, सेल जैसी स्थिति में है सेल वैसी ही स्थिति में रहेगा, ना वो स्वेल होगा ना वो श्रिंक होगा, इट विल नॉट स्वेल इट विल नॉट श्रिंक, ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया कंसेप्ट आपको। अब एक मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आप ट्राई करिए आंसर देना, ट्राई टू राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अभी मैं आपसे पूछता हूं ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस मैं आपको बता देता हूं, ये हमेशा याद रखनी है आपने, और इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं इसकी, ठीक है। वो ये कि जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये फंक्शन तभी करेगी, यानी सिलेक्टिवली परमिएबल तभी रहेगी जब ये लिविंग है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग है, ठीक है। जब तक ये लिविंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल होगी एंड इट विल अलाउ थिंग्स टू पास थ्रू इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, आना जाना अलाउ करेगी। लेकिन अगर ये डेड हो गई तो ये अलाउ नहीं करेगी। मतलब क्या कि अगर मैं किसी सेल को बॉइल कर दूं, गर्म कर दूं, ठीक है, यानी कोई मैं बॉइल्ड लीव ले रहा हूं या बॉइल्ड पोटैटो ले रहा हूं या बॉइल्ड एग ले रहा हूं, ठीक है, या बॉइल्ड रेजिन्स ले रहा हूं, अगर मैं बॉइल कर दूंगा तो बॉयल करने के बाद ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये डेड हो जाती है। फिर ये जो मूवमेंट है इनसाइड एंड आउटसाइड उसको स्टॉप कर देती है, फिर ये मूवमेंट नहीं होगी। यानी अगर मैं कोई बॉइल्ड चीज लूंगा तो मूवमेंट नहीं होगी, ये याद रखना है आपने, ठीक है। ओके, अब इस क्वेश्चन के लिए हमारे को जो जरूरत होगी वो एक डी शेल्ड एग की होगी, ठीक है। बॉइल्ड एग नहीं लेना हमने इसमें, मैंने ये पहले बताया आपको क्या कि अगर बॉइल्ड सेल होगा, अगर हमने उसको गर्म कर दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेड हो जाती है और फिर ये मूवमेंट बंद हो जाती है, ना ऑस्मोसिस होगा ना डिफ्यूजन होगा, ये याद रखना है आपने, ठीक है। सो वी शुड नॉट टेक बॉइल्ड वन। तो कई बार क्वेश्चन आते हैं आपके, क्या दिया होता है कि भाई आपको रियो लीव दिया हुआ है, अगर आप रियो लीव के सेल्स को वाटर में प्लेस करोगे तो क्या होगा, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मटेरियल है वो अंदर का वो सेल वॉल्स तक पहुंच जाएगा स्वेल हो करके, ठीक है। और अगर आप उसको हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर दोगे तो वो श्रिंक आउट हो जाएगा मटेरियल। इसकी डिटेल में हम बात करेंगे जब हम सेल वॉल की बात करेंगे, बट अगर इन्हीं रियो लीव्स को मैं बॉइल कर दूं और फिर सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करूं तो ऑस्मोसिस नहीं होगा, ये मूवमेंट जो है वाटर की नहीं होगी, ठीक है। ये याद रखना है, ये बॉइलिंग वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत बच्चों की गलतियां कराता है क्वेश्चन में, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। कीप दिस इन माइंड, ओके। लिविंग होना चाहिए, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके। मैंने आपको बोला कि ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसके लिए हमें डी शेल्ड एग चाहिए, बॉइल्ड एग नहीं चाहिए। तो डी शेल्ड एग हम बनाएंगे कैसे, करना क्या है कि हमें एक डाइल्यूट एसिड में एग को 10-12 घंटे के लिए रख देना है, तो उसका जो आउटर मेम शेल होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, धीरे 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 वो डिजोल्व हो जाएगा, धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो एक बड़ा सा यू कैन से इलास्टिक सी या फ्लेक्सिबल सी एक मेम्ब्रेन में सारा अंदर का मटेरियल जो एग वाइट होता है, योग होता है, वो प्रेजेंट हो जाएगा। बड़ा लचीला सा आपको एक मटेरियल मिलेगा, सारा एग का शेल गायब हो जाएगा और बड़ा लचीला सा आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। सारा का सारा उसका सब्सटेंस उस मेम्ब्रेन के अंदर होगा, तो जो बाहर इलास्टिक सी जो वे मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ऐसा हमने एग ले लेना है जिसका शेल हटा दिया गया हो लेकिन लिविंग हो वो शेल, बॉइल्ड ना हो। अब अगर मैं इसको पानी में रखूंगा तो क्या होगा, इफ आई प्लेस दिस डी शेल्ड एग इन वॉटर व्हाट विल हैपन, व्हाट इज योर आंसर गोइंग टू बी, आंसर दैट इन कमेंट बॉक्स। आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें जरूर एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू इट, ओके। दूसरी चीज, अगर इस डी शेल्ड एग को मैं कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में डाल दूंगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इन दोनों सिचुएशंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लिखकर देना है, आई विल आंसर दैट टू यू, ओके, गॉट इट। और जो लोग स्कॉलर्स में रजिस्टर्ड हैं वो इसको मेरे साथ जब हमारी क्लास होगी फेस टू फेस तब आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, आप अपना आंसर रजिस्टर पे लिखेंगे, इससे पहले भी जो मैंने क्वेश्चन दिया है वीडियो में वो भी आप अपना आंसर लिखेंगे और मेरे साथ क्लास में शेयर करेंगे, ठीक है, मेरे साथ डिस्कस करेंगे इसको, गॉट इट। बाकी सब लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे एंड आई आंसर यू
आई टेल यू वेदर यू हैव कंसर्टेड राइटली और रॉन्गली. ठीक है, आई होप कि जो कंसेप्ट है ऑस्मोसिस का आपको समझ में आ गया होगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फर्दर डिटेल है उस पर हम चलते हैं. ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और क्या फंक्शंस होते हैं, हम इस पे चलते हैं. ओके, सो लेट अस प्रोसीड.